पुरुषार्थ सिद्धियोपाय। भगवान अमृतचंद देव महाराज का अद्भुत अमृत जगत के प्रत्येक जीव के लिए कल्याणकारी है। भगवान अमृतचंद देव प्रत्येक जीव को जीवन की जीने की कला के साथ साथ दूसरे जीवों का घात ना हो इस उद्देश्य को मुख्य उद्देश्य बनाते हुए हमें हिंसा अहिंसा के विषय में अत्यंत गहनता से चिंतन करने को, मनन करने को, विचार करने को प्रेरित कर रहे हैं। आगे आचार्य कहते हैं, उसी प्रकार सुखी जीव भी हिंसा के योग्य नहीं, इस अभिप्राय को कहते हैं। बहुत सारे मत हैं, मतांतर हैं, उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। कुछ कहते हैं कि दुखी जीव है, इनका मरण हो जाएगा, इनको मार देंगे तो ये सुख में पहुंच जाएंगे, तो कुछ विचित्र प्रकार की सोच रखते हैं उनके विषय में कहते हैं। श्लोक नंबर 86। कृच्छेन सुखामाप्ति भवन्ति सुखिनो हताः सुखिनी एव इति तर्क मंडलाग्रह सुखीनां घाताय नादेय। सुखावाप्ति कृच्छनेन, सुख की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, इसीलिए सुखीनः हता, सुख अवस्था में मरे हुए जी सुखीन एव भवन्ति, सुखी ही होते हैं। इति इस प्रकार की तर्कमंडल अग्रह कुतर्क रूपी तलवार सुखीनाम घाताय सुखी जीवों के घात के लिए ना आदेय ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कैसे कैसे जीव हो तो कैसा कैसा दुर्चिंतन है। पंच इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, स्यात् क्रिया का अध्याहार की करना चाहिए, इसलिए सुखी जीवों के घात से जीव जन्म जन्मांतर में भी सुखी होता ही है। इस प्रकार की कुतर्क रूपी तलवार सुखी जीवों के घात के लिए स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवों के परिणाम के अनुसार अगले भव की प्राप्ति होती है, तुम्हारे मरण से नहीं। कई लोग ऐसा करते हैं, अंत समय उसे कुछ भोजन सामग्री खिलाते हैं, खा के मरेगा तो अगले स्थान में खाते पीते हुए पैदा होगा या अच्छे स्थान पर पैदा होगा। सुख मिलता है कष्ट से, अतः भात का कष्ट सही जीव तब सुखी हो, सोच निरी है भ्रष्ट। ये तो अत्यंत अलग ही भ्रष्ट प्रकार की सोच है। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ये और खतरनाक प्रसंग है। देखते उपलब्ध सुखति साधन समाधि सारस्य भूयसो भ्यासात् सुगुरुः शिष्येन शिरो न कर्तनीयं सुधर्ममभिलषता। सुधर्मं श्रेष्ठ धर्म की अभिलाषतया, अभिलाषी श्रेष्ठ धर्म अर्थात अहिंसा के अभिलाषी शिष्येण शिष्य के द्वारा भूयशा बहुत अभ्यासा अभ्यास से उपलब्ध सुगति साधन समाधि सारस्य, सुगति के कारणभूत समाधि के सार तत्व को प्राप्त कराने वाले सुगुरु अपने गुरु का शिर शिर न कर्तनीय नहीं काटना चाहिए। अरे ये क्या कह दिया, पाचन बतलाते हैं ऐसे भी मत हैं जहाँ अपने गुरु को मार दिया जाता है,
क्यों, आइए उसके विषय में और समझते हैं। शिक्षा दीक्षा प्रदायक अपने गुरु का सिर नहीं काटना चाहिए, समाधि साधना का सार है और सुगति देवादिक गति की प्राप्ति का कारण। इसलिए सुधर्म के अविलासी शिष्य के द्वारा समाधि में निर्मग्न व्रत कर्म का अनुष्ठान करने वाले अपने गुरु का यदि इस समय मरण हो गए तो उन्हें उच्च गति की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार का विचार करके भी गुरु के सिर का छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शौक अथवा परकाघात करना बहुत बड़े पाप का कारण है। ऐसा मत है कि जो चिंतन में लीन है, आत्मस्थ हैं, उनका यदि मरण होगा तो भी उसी भाव में कल्याण को प्राप्त होंगे। इसलिए जब भी समाधि में लीन हो तो उनका सिर काट देना। अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार आत्मा का अपने विषय ए में एक बार या बार बार संवेदन करना अभ्यास है। इस समाधि से सुगति को प्राप्त करे गुरुदेव, मस्तक उनका काटता शिष्य मना अगदे। शिष्य पाप का पुंज बनता है। आगे कहते हैं, अब खार पटिकों के मत का खंडन करते हुए कहते हैं, जब भगवान अमृतचंद स्वामी इस धरती पर अपनी महान अमृत देशना से संपूर्ण सृष्टि को उपकृत कर रहे थे, उसी समय कोई खार पटक नाम का मत था जो लोग गेहूरिया रंग के वस्त्रों को पहनकर यहाँ वहाँ विचरण करते हुए पाए जाते थे। उनके यहाँ एक विचित्र मत था, उसका उल्लेख करते धनलव पिपाशिताना विने विश्वासनाय दर्शयताम झटिति चट झटति घट चटक मोक्षम सृद्धियम नैव खार पटिकानाम धन लव पिपिसितानाम धन के थोड़े अंश के प्यासे विनेय शिष्यों को विश्वासनाया विश्वास उत्पन्न कराने के लिए नाना प्रकार की रीतियां दिखलाने वाले झटिति घट चटक मोक्षम शीघ्र ही घट के फूटने से उड़ने वाली चिड़िया के समान मोक्षम मोक्ष को दर्शिताम दिखलाने वाले खरपटिकाना खान पिटकों का नैव सत्ययम श्रद्धान नहीं करना चाहिए। खारपटक मत के लोग क्या करते, जैसे एक चिड़िया एक मटके के अंदर रख दी और जैसे ऐसे उसको मटके को फोड़ा तो चिड़िया मुक्त हो गई, ऐसे इस देह रूपी मटके के अंदर आत्मा स्थित है। जैसे इसको मटके को फोड़ेंगे अर्थात शरीर का घात करेंगे, इस चिड़िया को इस जीव को मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मत बतलाते हैं। घट में स्थित घट मतलब घड़ा, घड़े में स्थित चिड़िया के मुख की तरह मुक्ति मानने वालों का विश्वास नहीं करना चाहिए। किनके मत में ऐसा माना गया है, तो खार पिटकों के मत में। जैसे घड़े में चिड़िया है उसी प्रकार शरीर में आत्मा है। जिस प्रकार घट के फूट जाने पर चिड़िया की मुक्ति हो जाती है, उसी तरह आत्मा को भी देह के विनाश हो जाने पर मोक्ष होता है। इस प्रकार खारपटिक मत में माना है। क्यों माना, धन सोना चांदी मुद्रा आदि में थोड़े से धन को पाने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को विश्वास दिलाने के लिए, अतः उनके मत का विश्वास नहीं करना चाहिए। और आगे और कुछ भी इनके विषय में दिया, ऐसे लोग पहले काशी आदि तीर्थ में रहते थे, कोई भक्त वहां पहुंचा तो काशी में मरने से मुक्ति होती है ये सिद्धांत समझाकर करौत के नीचे उनका सिर रख देते थे और उनका सब धन लेकर उसे परलोक पहुंचा देते थे। ऐसे लोग उनके धन लूटने की इच्छा से इस प्रकार की मृत्यु का उनको घात उतार देते।
ये स्थान तो साक्षात मोक्षदायिनी माँ गंगा मिली है, इन गंगा के चरणों में मुक्ति पाओ, ऐसा करके उनकी गर्दन काट देते थे। खार पटिक मत मान्यना धन ले शिष्य वनात घट फूटा चिड़िया उड़ी मुक्ति मिली बहलात। उनको बहला फुसला कर उनका सारा धन लूट लिया जाता है। और भी कोई है क्या? हाँ, अब यह प्रकट करते हैं कि भूखे लोगों को भी मांस देना पाप है। अरे इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये भूखे मर जाएंगे, इसलिए इनके लिए मांस की व्यवस्था कर देते हैं, तो उनको भी मांस नहीं देना। क्या कहते देखते दृष्ट्वा परम पुरस्ता दसनाय छामिकुच्छिमायन्तम् निजमांसदानरवसा रवसादा लावनीयो न चात्ममापि। और असनाय भोजन के लिए पुरस्तात सामने आयंतम आए हुए परम किसी छाम कुच्छिम दृष्ट्वा भूखे पुरुष को देखकर निज मांस दान अभ्यासा अपना मांस देने की आतुरता से आत्मापि अपनी भी न आलावनीय हिंसा नहीं करनी चाहिए। और सारे लोग इतने दयालु हो जाते कि दूसरे का कष्ट देखते ही चाहे मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, इनका कष्ट मिट जाए, इस बुद्धि से कैसे गलत काम कर बैठते हैं। उनको समझाते हुए कि यदि कोई भूखा व्यक्ति आकर मांस की याचना करे तो भी उसे अपने मांस शरीर का मांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि निज और पर के प्राणों की रक्षा का नाम दया है। वह मांस लुलोपी दया का पात्र नहीं जो अनंत जीवों के पिंड स्वरूप मांस को खाने के लिए तैयार है। वह भी दयालु नहीं कहा जा सकता जो अपने शरीर का मांस देकर अपने परिणामों को कलुषित करता है और दूसरों को पापमय प्रवृत्ति में लगाता है। इसलिए भूखे को मांसादिक अवक्ष पदार्थ कभी नहीं देना चाहिए और ना धर्म के निमित्त आत्मघात करना चाहिए, क्योंकि आत्मघात के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। भूखे का लख कष्ट जो मांस दान निज देत वह भी हिंसा पाप है। मांस न भिक्षा है, मांस भिक्षा के हित नहीं है, ऐसा जानना। अब आचार्य भगवान संपूर्ण जो अहिंसा हिंसा का विस्तार आचार्य ने किया उसका अब उपसंहार 90 नंबर श्लोक में करते हैं। इस प्रकार जाना है नए चक्र के संचार को जिन्होंने, ऐसे गुरुओं की शरण प्राप्त होने पर मति भ्रम को अवकाश कहा, अर्थात उनकी मति मोहित नहीं होती। इस प्रकार अहिंसा के प्रकरण का उपसंहार करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। जिन्होंने संपूर्ण नए रूपी चक्र को धारण किया, कितने सारे मतो मतांतर भेद वेदांतर तर्क कुतर्कों को आचार्य ने खंडित किया। क्या अद्भुत प्रतिभा है अमृत चंद देव के, सारे मतों को ग्रंथों को पढ़ के जान के समझ के कहाँ क्या चल रहा है उन सबका खंडन उन्होंने बहुत तार्किक दृष्टिकोण से किया। को नाम विसति मोहम नया भंगे विसारदानुपास गुरुन विदित जिन मत रहस्य शायन हिंसा विशुद्धिमति। नये भंगे विसारदाना नयों के भंग को जानने में प्रवीण
गुरुन उपास्यां, गुरुओं की उपासना करके। विदित जिनमत रहस्यां, जिनमत के रहस्य को जानने वाला। विशुद्ध मति, निर्मल बुद्धि। अहिंसां श्रेयण, अहिंसा का आश्रय करने वाला। कोना कौन पुरुष, मोहं वसति, मोह को प्राप्त होता है अर्थात कोई नहीं होता। इतनी तरीकों से आपको हिंसा हिंसा के विषय में बतला दिया। अब कौन मोहित होगा? कोई नहीं। सारे मत मतांतर, भेद भेदांतर, जातिवाद, पंथवाद, संतवाद, धर्मवाद सब छोड़कर एकमात्र उपासना का केंद्र हो, उसका नाम अहिंसा हो। शयन अहिंसा विशुद्ध मति, अपनी अच्छी बुद्धि के साथ जिनेन्द्र भगवान के इस पवित्र शासन जिसमें अहिंसा सर्वोपरि है, ऐसे अहिंसा परम ब्रह्म विदति जगतम, ऐसे संपूर्ण जगत में संसार में जो अहिंसा परम ब्रह्म कहा गया उसकी उपासना में हम सभी लगे। भव्य जीवों के तत्व विशारद गुरु जनों की सेवा मन शुद्ध, जान रहस्य जिन शास्त्र का कौन कहा प्रतिबुद्ध। प्रतिबुद्ध का होता मूर्ख। अब इसके बाद असत्य के विषय में आचार्य विचार करेंगे। यहाँ पर हिंसा अहिंसा का प्रकरण आज पूर्णता को प्राप्त होता है। आप अच्छी तरह हिंसा अहिंसा से संबंधित जितने भी आचार्य ने श्लोक यहाँ पर लिखे हैं उन सारे श्लोकों का एक बार अच्छी तरह चिंतन करके किस प्रकार ये हिंसा अहिंसा का विस्तार आचार्य ने किया उसको हमें एक साथ जान के अपने पास लिख कर रखना चाहिए कि किस प्रकार आचार्य ने हिंसा अहिंसा के विस्तार को समझाया। यहाँ चारित्र अधिकार प्रारंभ होता है और वहीं पर आचार्य श्लोक नंबर 42, अत प्रकटी हिंसायाम सर्वव्यापी नाटकम। अब मैं यहाँ पर हिंसा के सर्वव्याप्त नाटक को शुरू करता हूँ और ये नाटक 42 नंबर गाथा से चालू हो, इस श्लोक से चालू होकर 90 नंबर तक चला। टोटल 38 श्लोकों में आचार्य भगवंत ने समान अमृत पवित्र जन शासन की सेवा के निमित्त हम सबके सामने उपस्थित किया। हम सब अपने जीवन में अहिंसा को सर्वोपरि, अहिंसा ही हमारा देवता, अहिंसा ही हमारी पूजा, अहिंसा ही हमारी पद्धति, अहिंसा ही हमारी परंपरा बनी। मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र।